तो हम पहुंच चुके हैं सरवा शरीफ की दरगाह के पास, और स्टार्टिंग में एंट्रेंस पे यहाँ पे काफ़ी सारी बाजार है और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट, चलिए हमारे साथ। सो जैसे चलते वक्त ही आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, और आज का कैमरामैन जो है वो मेरा छोटा भाई है यूसुफ। यूसुफ हाउ आर यू? ये बहुत सो लेंगे हम उसको भी व्लॉग में कहीं ना कहीं, और कभी ना कभी इस तरफ मैं चाहूँगा तुम कैमरा करो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी तलवारें हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आपको पता है पुष्कर मेला ये होता है। पुष्कर मेला एक बहुत बड़े लेवल पे होता है जिसमें जानवर और काफ़ी सारे हथियारों की नुमाइश होती है जो आप सेल परचेस कर सकते हो। तो उसी तरह मैं कैमरामैन को मेरे कहना चाहूँगा कि वो ज़रा ये शॉप दिखा दे। ये देखिए, देखिए ये पूरी आपको मिलती है, ये सब ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल तलवार है, असली तलवार है, और खाली सिर्फ यहाँ पे धार नहीं की होती, धार ये करके करनी पड़ती ना ले जाने के बाद। शोपीस है, ओके हाँ। अच्छा ये टाइम पास के लिए है, खाली थोड़ा ओरिजिनल नहीं है ये, माय मिस्टेक। तो ये दिखने में असली है, तो ये फिल्म वगैरह में जो यूज़ होती है वैसी ही तलवार है, इसमें धार नहीं होती है, और खाली मजाक मस्ती के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलती है। यहाँ पर ये सब ये शूटिंग में काम आने वाली चीज़ें है। तो अब्दुल रहीम भाई एकदम ऐसा लगा कि देखा होगा अब मूवी में। हाँ मैं झुकेगा नहीं साला। और ये भाला है ना, ये भाला, ये जो पहले युद्ध होती थी तलवार जो जिससे सेव करते थे वो चीज़ है। काफ़ी ह्यूज रेंज है इनका और बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत तलवार नज़र आ रही है यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से। सो आप यहाँ पे आओगे विज़िट करोगे तो आप ऐसी सब चीज़ें भी खरीद सकते हो आप इनसे, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस तरफ बताइए सारी दुकानें जो है, और उस तरफ अगर देखेंगे आप तो काफ़ी सारे शोपीस की चीज़ें। सो पत्थर वगैरह इस तरीके से पत्थर वगैरह आपको मिलते हैं, धन अंगूठी है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं देखते हैं। कुछ यूनिक चीज़ें यहाँ पे अभी हम ढूंढेंगे, देखते हैं कुछ यूनिक चीज़ मिल रही है। फरीद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान में बहुत मुश्किल से सब्जियाँ उगती है, बट मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे हर तरह के फ्रूट्स अवेलेबल है। ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी आई थिंक राइट, स्ट्रॉबेरी जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में उगती है। तो मैं एकदम से शॉकिंग हूँ कि राजस्थान में और सरवाड़ में और स्ट्रॉबेरी पाई जा रही है, यू नो इट्स वंडरफुल। और काफ़ी सारे वेजिटेबल्स है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है आपको यहाँ पे। सो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सरवा शरीफ में एक होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने विज़िट किया है और वो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, तो अब हम चलेंगे वहाँ पे। ये बहुत ख़ास रेस्टोरेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको सरसों बाजरे मक्के की सभी तरह की रोटियाँ मिलती है, और बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। अगर आप अजमेर आते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सरवाड़ आए, और सरवाड़ अगर आएंगे तो आप यहाँ का एक मर्तबा खाना ज़रूर खाएं। आइए, ये होटल का खाना आप खाओगे, बहुत ही रीज़नेबल खाना है और बहुत ही टेस्टी खाना है, तो हम वहाँ पे चलेंगे। हम वहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो फेमस डिशेस हैं वहाँ की, जैसे कि आप हमें हर वीडियो में देखते रहते हैं, मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ और हमेशा हर चीज़ें को ट्राई करता हूँ हर जगह की, तो वहाँ पर चलेंगे और हम काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो। सो हमारे साथ में है मोहम्मद शाहिद भाई, जिनका ये रेस्टोरेंट है, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो सलमान खान है, राजपाल यादव है, देन काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे है, अमिताभ बच्चन जी भी है,
तो आप इन सबको कैसे मतलब यहाँ पे विजिट कैसे किए उन्होंने? बॉलीवुड के अंदर हमारे दो फैमिली मेंबर भी है, जैसे हमारे अली खान भाई है जी, जो मुंबई से आज यहाँ है अजमेर शरीफ में, और मेरी लड़की है मुस्कान, वो भी बॉलीवुड में काम करती है। और बॉलीवुड का कोई भी सितारा अगर आपके घर आपको बुलाना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं उनको लेके आ जाता हूँ। आपके घर भी शादी, कोई भी बर्थडे या कुछ भी पार्टी, कोई प्रोग्राम आप रखेंगे, आप किसी भी एक्टर को बुलाएंगे ना तो वो आपके घर आ जाएगा। तो मैं यूट्यूब पे इनका नंबर भी नीचे मेंशन कर दूंगा शाहिद भाई का, तो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा तो आप डायरेक्टली इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इनसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। तो मैं इनका होटल का मैं यहाँ पे काफ़ी ऑलमोस्ट 5 से 10 साल से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, एंड यहाँ पे खाना खा रहे हैं एंड काफ़ी टेस्टी खाना है यहाँ का। सो हम यहाँ पे अभी वापस, हमारे पूरा ग्रुप आया हुआ है, हम वहाँ पे विजिट करेंगे एंड मैं आपको चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे क्या क्या इनके फेमस चीज़ें मिलती है और डिशेज़ मिलते हैं वहाँ पे, तो वो हम वहाँ पे देखेंगे एंड टेस्ट करेंगे। तो शाहिद भाई, और कुछ नया कुछ चालू किया है आपने यहाँ पे? खाना तो हम लोग जो 12 महीने बनाते हैं यहाँ का, दाल गोश है, कोरमा है, मटन फ्राई है, चिकन फ्राई है, बहुत बेस्ट आइटम है हमारे यहाँ का। आदमी आता है उसका दिल खुश हो जाना है, ये हमारी सबसे बड़ी हम लोग गारंटी लेते हैं। खाना अच्छा लगे तो पैसा दो। इनके यहाँ पे जो रोटी है वो बाजरे की रोटी और मक्की की रोटी मिलती है, जो आपको कहीं पे भी यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो वो समथिंग बहुत समथिंग डिफरेंट और बहुत ही अच्छी है। अब्दुल रहीम भाई कुछ बोल, फरीद मैं माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कुछ बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप अजमेर आते हैं तो आप सरवार ज़रूर आए, और सरवार आते हो तो आप ये देखिए अयान होटल, भाईजान के होटल में ज़रूर आए, मेरी गुजारिश है ज़रूर आए, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा खाना है और काफ़ी किफ़ायती दामों में। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है, आप ज़रूर आए, दिस इज़ अ सेलिब्रिटी होटल और इंशाल्लाह आपको निराशा नहीं होगी। थैंक यू। तो शाहिद भाई भी एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है, तो आप यहाँ पे आके इनसे भी आप मुलाकात कर सकते हो, और इनके हाथों का वो खुद बनाते हैं खाना यहाँ पे, अभी हम देख रहे थे वो खुद वहाँ पे बना रहे थे, तो हम वही अभी स्टार्ट करेंगे खाना और टेस्ट करेंगे। सो ये है मक्का रोटी और ये है दाल फ्राई, आपको दाल गोश्त, और ये आ चुका है दाल गोश्त, दाल गोश्त आ रहा भाई आ रहा। तो ये है मक्का रोटी और आप देख सकते हैं इसके ऊपर लगा हुआ है देसी घी। तो अब्दुल रहीम भाई, बोटिया भाई बहुत चूस रहे हो तुम, खाना कैसा है? I tell you one thing guys, food was awesome. अब सीरियसली आइए, जैसे मेरे जैसे आदमी को, जैसे मैं जैन था बट नाउ आई एम अब्दुल रहीम, तो ये बोटी बहुत लजीज है, इस बोटी के जैसा कुछ नहीं, तो बिलीव मी आप ज़रूर आइए। सो ये आ गया है चिकन भुना और इसको भुनने वाले हैं हमारे अब्दुल रहीम भाई। दोस्तों अब मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, ये देखिए चिकन भुना, और ये देखिए मेरे साथ ये बैठी हुई है पूरी टीम जो जब से प्लेट खींच रही है, तो ये बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। एंड गाइस सीरियसली आप लोग आइए और ज़रूर आइए और यहाँ पर आप ज़रूर जायके का स्वाद लीजिए। और ये है बाजरे की रोटी, इसमें भी ये जो ऊपर है ऊपर घी है, इसी के साथ में ये देखिए झपटा झपटी चालू है। सो गाइस ये था सरवार शरीफ, तो जितनी चीज़ें हो सकी हमने आपको दिखाई, और अब्दुल रहीम में काफ़ी थक चुके हैं अभी, इनकी हालत देखिए, पूरा दिन आज बहुत थकान हुई है, सीरियसली गाइस एनर्जी एकदम बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। सो ऐसे ही है कि कमरे में जाए, फ्रेशन अप हो एंड जस्ट गो टू बेड। सो हमारे से जितना हो सका हमने आपको जितना कैप्चर कर सके हमने उतना कैप्चर किया, दरगाह की ज़्यादात हमने थोड़ी बहुत जहाँ तक के पॉसिबल हुआ हमने वहाँ पे करवाया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इसके अलावा कोई सजेशंस आपको और भी अजमेर शरीफ के यहाँ के वीडियोस और भी हम बनाएंगे और भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, तो आप नीचे सजेशन भी दे सकते हो कुछ, और भी अगर आपको जगह पता है यहाँ पे जहाँ पे आप मैं जाके वीडियो बना सकता हूँ तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। सो That's it for the day. Have a great day. Adios. Abdul Rahim by Snowman Bunny.